भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब आईसीसी विश्व कप 2019 के मैच में भिड़ी थी तब विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ा रहे प्रशंसकों को चुप रहने और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सराहना करने कहा था। अब स्मिथ ने कोहली के उस कदम को लाजवाब बताया है। स्मिथ ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच के बाद कहा, विराट ने जो किया वो लाजवाब था। मैं ईमानदारी से कहूँ तो भीड़ क्या कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इन चीज़ों को ब्लॉक करता हूँ, लेकिन कोहली ने जो किया वो लाजवाब था। स्मिथ जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हुआ करते थे तब बीते साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में खेले गए टेस्ट मैच में गेंद से छेड़छाड़ में फंस गए थे। इसी के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर एक साल का प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के बाद स्मिथ ने वापसी की है, लेकिन लगातार अतीत का साया उनके साथ चल रहा है प्रशंसकों की आवाज़ों के साथ। कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने स्मिथ के खिलाफ आवाज़ें सुनी। अपनी जाहिर आक्रामकता के लिए मशहूर कोहली ने तुरंत प्रशंसकों की तरफ इशारा कर उन्हें चुप रहने और स्मिथ को सराहने को कहा। मैच के बाद कोहली ने कहा था, क्योंकि यहाँ कई सारे भारतीय प्रशंसक थे इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह एक बुरी नज़ीर देकर यहाँ से जाएँ। ईमानदारी से कहूँ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण उन्हें ताने सुनने पड़े। भारतीय कप्तान ने कहा था, वह सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो वहाँ खड़े हुए थे और मुझे यह देखकर काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि अगर मैं उस स्थिति में होता जहाँ मेरे साथ कुछ हुआ होता और मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुका होता और मैं वापस आकर खेल रहा होता, फिर मेरे ऊपर छिंताकशी की जाती तो मुझे पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं इन सभी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा पहले भी काफ़ी मैचों में हो चुका है और मेरे विचार से यह सही नहीं है।